दोस्तों, आपको गोपाल लाल जी का नमन। मुद्रा चलन में आप देखिए, कभी कभी टंकण के रूप में धर्म के सिक्के भी आते हैं। आप तलाशिए, अगर आपके खजाने में ऐसे सिक्के मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और इनमें कई बार ऐसा होता है कि अनेक बार जो सिक्के हम तलाशते हैं वो फैब्रिकेटेड होते हैं, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ उत्तराखंड में, हरिद्वार से, तो यहाँ पे कारोबार होता है सिक्कों का। और यही नहीं, जो भी धर्म स्थल हैं, धर्म की आस्था के नाम पे बहुत सारे नाम टेके मिल जाएंगे आपको। एक वो सिक्का मिलेगा जिसमें बंदर तराजू से तोल रहा होता है, और देवी देवताओं के सिक्के मिल जाएंगे धर्म के नाम पे, दुनिया भर की यंत्रों के सिक्के मिल जाएंगे। और उनमें क्या होता है, वो कहते हैं कि ये एंटीक हैं, और एंटीक के नाम पे उनसे पैसे लिए जाते हैं। मगर इसमें क्या है कि मैं जानता हूं ये 80% फैब्रिकेटेड होते हैं, ये बनाए गए सिक्के होते हैं, ये टंकण नहीं किए जाते, यानी कि सरकार द्वारा नहीं टंके थे, ये फैब्रिकेटेड है, हम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं व्यापार के लिए, और धर्म की आस्था के नाम पे खूब बिकते हैं, अच्छे से बिकते हैं ये। तो ये अपने बुद्धि और विवेक से तलाशी कि अगर ऐसा कोई सिक्का आपको मिल जाता है जो पुराना एंशियंट है। देखिए, अगर पुराने हैं, कोई मान लीजिए कोई आपका पुश्तैनी सिक्का रखा हुआ है 20, 30, 40, 50 साल, 100 साल पुराना, तो वो उस जमाने में ये फैब्रिकेशन की मानसिकता नहीं थी। हो सकता है उस टाइम के कोई आपको अच्छे सिक्के मिल जाए। एक एक दौर चला था 80 के दशक में, 85-86 में हवा उड़ी थी कि इंदिरा गांधी का 1 रुपए का सिक्का निकला है जिसमें वो रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, और वो सिक्के बहुत थोड़ी संख्या में निकले थे, और वो उनके तंत्र में बहुत मान्यता थी, तंत्र में उनका बहुत ही महत्व था, तंत्र में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो ये सिक्के बाजार में मिले, तो मैंने तलाश किए, बहुत तलाश किए, तो जो उसकी कॉस्ट थी वो 10,000-15,000 से शुरू करके मुझे 50 रुपए 100 रुपए में उन्होंने दे दिए, मैं ले आया सिक्का वाला। तो मैंने जितने ये सिक्के जमा करने वाले हैं भारत में और विदेश में सबको भेजा, तो उनका इस तरीके का कोई सिक्का कभी आज तक नहीं निकला। मगर उसका तंत्र जगत में जो मैंने प्रभाव देखा वो चमत्कारी प्रभाव था। तो मैंने एक सज्जन को दिया ये वाला सिक्का, और आप स्ट्रेंज करेंगे कि उस, अब मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने ये वाला सिक्का 40,000 का बेचाएगा आदमी को तंत्र के नाम पे। तो वो उन्होंने ले लिया, अब भगवान जाने उनको फायदा हुआ नहीं हुआ। तो ये देखिए, मैं इसमें मैं नहीं दखल में पड़ूंगा ये सब चीजें। फिर एक सिक्का हमने वो तंत्र में देखा था जो 1918 में जॉर्ज पंचम का सिक्का निकला था, इसके तंत्र में बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो ये आप तलाश लीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा सिक्का मिल जाता है, और अब कैसे मिले, क्या मिले ये, और ये भी बता दूं कि मुझसे नहीं पूछे कोई भी इस विषय में, मैं दुकानदारी नहीं करता, क्योंकि मैं एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, मैं तलाशता रहता था। मगर जो मैंने प्रभाव देखा वो रामटके में देखा, पुराने जो रामटके मिल जाए, और एक बंदर वाला सिक्का जिसमें कि बंदर तराजू से तोलता है वो सिक्का मिल जाए, या पंचम, जॉर्ज पंचम का 1918 का चांदी वाला सिक्का। तो ये सिक्के अगर मिलते हैं आपको तो आप इनको ले लीजिए। और इनका मैं बताऊं आपको कि ये जो मैंने ये शुरू किया है, तो ये हठ योग प्रदीप का एक ग्रंथ निकला था, उसमें नवनाथ से संबंधित, नाथ संहिता से संबंधित काफी सारी चीजें मुझे मिली, उनको मैंने तंत्र से जोड़ा, लिंक किया उनको। तो उसी के प्रयोग को मैं यहां दे रहा हूं आपको, जो मैंने ये निकाला है। और वैसे तो ये जो नवनाथ से रिलेटेड है ये वाला प्रयोग, नवनाथ के प्रयोग लक्ष्मी साधनाओं में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, वो बिल्कुल अलग विषय है, उसको मैं दूंगा। तो सिक्का पहले तो आप तलाशिए कि आपको सिक्का मिल जाए, और ये देखिए कि आपको कोई ऐसा वृक्ष मिल जाए जो आप नियमित रूप से 9 दिन तक, जहां पे आप उसकी पूजा अर्चना कर सके, वहां एक थोड़ा समय दे सके। तो इन वृक्षों में आप श्वेतार ले सकते हैं, सिरस ले सकते हैं, पीपल ले सकते हैं, बरगद ले सकते हैं, और कौन से वृक्ष, अशोक का वृक्ष ले सकते हैं, केले का वृक्ष ले सकते हैं। तो ये अपनी सुविधा से चुन लीजिए। मैं अपने प्रयोगों में
प्रेफर करता हूँ श्वेतार के वृक्ष को, क्योंकि मुझे सुलभ है, मेरे आंगन में बिल्कुल एक विशाल वृक्ष बन गया वो लगा हुआ है, तो मैं सारे प्रयोग अपने यही करता हूँ। सिक्का ले लीजिए, सिक्के को अच्छी तरीके से शोधन कर लीजिए, उसको रेत से, साबुन से, खटाई से उसको चमका लीजिए, अगर तांबे का होगा तो खटाई से चमक जाएगा अच्छी तरीके से, और उसको कुछ देर तक नमक के पानी से डुबो के रखिए, तो वो और उसका गंध, यानी कि उद्देश्य कि बिल्कुल उसका जो इतना वो गंध है वो साफ हो जाएगा। और जब ये आपका सिक्का आ जाएगा आपके पास, इस सिक्के को आप कोई शुभ मुहूर्त अपने हिसाब से तलाश लीजिए, अगर आपको हुरा का ज्ञान है, अगर आपको मुहूर्त का ज्ञान है, अगर आपको चौघड़िया का ज्ञान है, तो वो सिक्का आप वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए। और नवनाथों के नौ नाम जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ये नौ नाम आपको नौ दिन तक कंटिन्यूएशन में जाप करने हैं, और जाप करने के बाद में वो जहां पे सिक्का आपने दबाया वहां पे जल से सिंचन करें वृक्ष को, मात्र इतना। और सिंचन के बाद में अपना जो भी आपकी आस्था है, पूजा अर्चना, जैसी आपकी भावना है, चावल से, रोली से, धूप से, दीप से, वो आप पूजा कीजिए भगवान स्वरूप मान के। और वृक्षों के तो वैसे भी पूजित होते हैं, पूजनीय होते हैं, ये जो नवनाथ के नाम, ये मंत्र महाणव में, महाणव तंत्र में भी इनका जिक्र आया है नवनाथों का। और ये मैंने बताया कि इनका क्रम है, इस क्रम में ही जपने हैं ये, और इनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि ये इस टाइप के प्रयोग कहीं भी तंत्र साहित्य में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि पिछले 35-40 वर्षों से जो मैं कर रहा हूं, उस जमाने में कोई सोचता भी नहीं था कि ये चीजें भी हो सकती हैं। ये नवनाथों के नाम आप नोट कर लें, इसी क्रम में इनको जपना है। ये है हमारे नवनाथ, गोरक्षनाथ है, जालंधरनाथ है, नागार्जुन है, सहस्त्रार्जुन है, दत्तात्रेय है, देवदत्त है, जड़ भरत है, आदिनाथ है, और मतेंद्र नाथ है। तो ये नाम आप जो जपेंगे, तो क्योंकि हम भगवान का नाम लेते हैं, किसी पूजनीय का नाम लेते हैं तो श्री लगा लेते हैं, नमः बोलते हैं तो हम उसको नमस्ते करते हैं तो नमः बोलते हैं, तो बस उस क्रम में अगर आप बनाना है तो उस क्रम में आप जपिए। जैसे आप अगर मान लीजिए जाप करते हैं तो आप जपिए ओम श्री गोरक्षनाथाय नमः, ओम श्री जालंधरनाथाय नमः, ओम श्री नागार्जुननाथाय नमः, ओम श्री सहस्त्रार्जुननाथाय नमः, ओम श्री दत्तात्रेय नाथाय नमः, ओम श्री देवदत्त नाथाय नमः, ओम श्री जड़ भरत नाथाय नमः, ओम श्री आदि नाथाय नमः, ओम श्री मतेंद्र नाथाय नमः। और बस ये नाम जप के वो आप 9 दिन पूरे करिए। 9वें दिन आप सिक्का निकाल लीजिए, सिक्के को निकाल के अपने घर ले आइए, और घर में अगर घर में है तो कोई बात है ही नहीं, इस सिक्के को 9 दिन तक ऐसे रखा रहने दीजिए पूर्णिमा काल तक। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा समय चुनते हैं जो 9वां दिन ठीक आपका पूर्णिमा के दिन पड़ता है, या किसी शुभ मुहूर्त जैसे होली है, दिवाली है, या कोई और शुभ मुहूर्त है, 9वां दिन ठीक उस दिन पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा है। पूर्णिमा वाले दिन आप इसको निकाल लीजिए, और इसको क्योंकि मिट्टी लगी होगी तो इसको साफ कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसका शोधन कर लीजिए। सबसे अच्छा शोधन का तरीका होता है गोमूत्र में, और गंगा जल तो है ही, और अगर नारियल का पानी मिलता है तो नारियल के पानी में इसका शोधन कीजिए। और ये सिक्का लाल कपड़े में लपेट के अपने पूजा के स्थान में रख लीजिए, और नित्य अगर आप ये नाम जपते हैं वही विग्रह के सामने खड़े होके, और हर पूर्णिमा में ये सिक्का इसी प्रकार से 9 दिन तक सिद्ध कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मान लीजिए अगर समय का अभाव है और ये नहीं आप कर पाते हैं, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब कभी आपको समय मिले इसको इसी प्रकार से शोधन करें, इसी प्रकार के से इसका पूजन करें, और पुनः कपड़े में लपेटे और फिर अपने घर में स्थान में रख लिए इसको आप, तो आप देखिएगा कि आपको इस छोटे से प्रयोग से कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छे लगते हैं ना तो आप प्लीज इनको यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।